कीड़े मकोड़े जानवर उनका जो विष है इसको जंगम विष बोलते हैं। जंगम विष में जो मधुमक्खियाँ लड़ जाती हैं घर में सबको, या जो बर्रे लड़ जाते हैं जिसको ततैया बोलते हैं, वास्प बोल देते हैं अंग्रेजी में, और पंजाबी में पूंड पूंड शायद इस तरह का कोई शब्द है वो कह देते हैं। ये जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े उड़ने वाले लड़ जाते हैं जो, इनकी चिकित्सा के बारे में थोड़ी जानकारी बढ़ाऊँ आपको। देखिए दो प्रकार के विष होते हैं इन कीड़े मकोड़ों में, एक जो गर्म विष हो एक जो ठंडा विष हो। कुछ कीड़े मकोड़ों के विष गर्म होते हैं, कुछ कीड़े मकोड़ों के विष ठंडे होते हैं। यानी जिस कीड़े के काटने से आपका सारा शरीर लाल पड़ जाए तो वो गर्म विष होगा, और उसमें ठंडी चिकित्सा दी जाती है। और जिसके विष के डंक से, कीड़े मकोड़े के डंक से आपको सूजन हो जाए और फूल जाए वो जगह और खूब दर्द हो, तो ये ठंडा विष होता है। थोड़ा डीपली समझिए, यानी जिसका विष सूजन कर दे, बेशक सूजन करेगा तो वो वात का, उसके अंदर वायु का गुण है उसके विष में, उस हर, क्योंकि हर दवाई की अपनी एक तासीर होती है। ऐसे जो विष होते हैं कीड़े मकोड़ों के डंक होते हैं, इनकी भी तासीर होती है। आपने देखा है मधुमक्खियों के डंक से दवाई बनती है, सांप के जहर से दवाई बनती है, इसका मतलब उसकी भी कोई तासीर होगी ना। तो इस तरह से ये तासीर बता रहा हूँ पहले मैं। तो वो जो कीड़ा काटेगा, अगर उसके कीड़े के काटने से लाल निशान पड़ जाएगा तो वो समझिए उसका विष गर्म था, तो उसमें ठंडी चिकित्सा देंगे, बर्फ़ आदि लगाएंगे, ये सब करेंगे। और अगर वो लाल नहीं होता लेकिन सूजन करता है, या सूजन भी करता है लाल भी होता है, तो इसका मतलब वात और पित्त दोनों के गुण थे उसके विष में। और अगर उसके विष से लाल नहीं होता, सिर्फ सूजन हो जाती है और दर्द होती है, तो ये दर्द वात का गुण है। इसका मतलब उसके विष में वात और कफ के गुण हैं। तो वात और कफ वाले विष में गर्म चिकित्सा देते हैं, गर्म पानी से धोना, ये सब करना। इतना बेसिक समझ लोगे, कभी खता नहीं खाओगे, कभी मार नहीं खाओगे। ये बेसिक जानकारियां हैं। अब बात करते हैं कि इसकी चिकित्सा कैसे करनी है। देखो मधुमक्खियां या उड़ने वाले कीड़े मकोड़े जब काटें तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले मधुमक्खियां और किसी को ना काट लें, उसके लिए एक नक छिकनी बूटी आती है। नक छिकनी बूटी आप सर्च करेंगे अपने मोबाइल से ही तो आपको नज़र आ जाएगी। आप उस नक छिकनी बूटी को किसी कोयले पे, जलती आग पे, गोबर के उपले पे, किसी पे भी धुन नहीं दे दो, वो उससे भाग जाएंगे। थोड़ा लकड़ी का भी हो धुआं तो कोई बात नहीं, ये तो भगाने के लिए है नक छिकनी का। फिर अगर बात करनी है खास ततैये की, पूंड जिसको बोलते हो, बर्रा बोलते हो जिसको, वास्प, उसका जो डंक, उसको जो भगाना है, उस जो आप आसपास दूसरों को न लड़े, तो या लहसुन जला के धुनी दो, या हड़ताल आती है पीली हड़ताल उसको जला के धुनी दे सकते हैं, दोनों को भी इकट्ठा दे सकते हैं, जो मिल जाए इन तीनों चीज़ों में से दे दो उस प्रेजेंट सिचुएशन में। लोग नीम जला के धुनी दे देते हैं तो भी कीड़े मकोड़े भागते हैं, धुएं से वैसे ही भागते हैं। दूसरी बात, बाकी लोग भी थोड़ा ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल लगा लें, तो उस सारे जहाँ जहाँ आपके शरीर के अंग बाहर हैं, ताकि किसी और को ना लड़े, उससे भागते हैं ये कीड़े मकोड़े, नहीं लड़ते। तीसरी बात, अगर वो नहीं है तो नीम का तेल भी लगाया जा सकता है, मिक्स करके दोनों जैतून और नीम को भी लगाया जा सकता है। जिसको अब लड़ा है उसको थोड़ा सेंधा नमक लगाया जा सकता है, उस वक्त 2-3 मिनट रगड़ा जाए, घर में रॉक सॉल्ट होता है सेंधा नमक, उससे वो कीड़े का जहर बाहर आ जाएगा। कई लोग क्या करते हैं, माचिस की जो ऊपर मसाला लगा होता है तिल्ली पे, उसको पानी में मिला के ऐसे ऐसे उसका मसाला रगड़ देते हैं, उससे भी जहर उतर जाता है उसका, निकल जाता है। ये घरेलू सा टिप है, कहीं बाहर अंदर कहीं लड़ जाए किसी को तो ध्यान रखना। फिर उसके बाद अगर आप कहते हैं, अब अगर कुछ इसके अलावा कुछ अल्टरनेट हो जाए इन्हीं नुस्खों के, तो आपको मैं बता दूं, नमक कर लिया, उसके बाद आप चाहते हैं कि अब थोड़ा, या नमक नहीं है तो आक बूटा जो होता है, पौधा जो होता है, आक बूटी जो है उसका दूध निकाल के रगड़ा जा सकता है। और
इसके अलावा घर में एक मलम बना के रखी जा सकती है जिसमें घी डलेगा एक चम्मच और शहद डलेगा इसमें एक चम्मच और इसमें डलेगा सेंधा नमक वो भी आप डाल लीजिए एक चम्मच और तुलसी के पत्ते कूट पीस करके एक चम्मच चटनी उसकी। ये चारों चीज़ें ध्यान रहे ये नम इसमें मैंने दो चीज़ें डलवाई हैं घी और शहद ये दोनों बराबर डलवाए हैं और इसका मतलब बराबर डलवाने का कारण ये है ये लगाने के लिए है भूल करके भी कोई इसको खा ना जाए क्योंकि ये जहर है। बराबर मात्रा में जब हम नमक घी और शहद मिलाते हैं तो ये जहर बन जाता है। तो ये सारा इसका वर्णन दिया हुआ है अगध तंत्र में विष चिकित्सा वाले ग्रंथों में। तो वो सारा आप लगाने के लिए सुबह शाम ऑइंटमेंट बना के रख सकते हैं दो तीन दिन चल जाता है ये ऑइंटमेंट कि जहाँ पे कोई प्रॉब्लम है उसके पास ही उसका सलूशन है। तो इसका मतलब मधुमक्खियाँ काटती हैं ना तो ये मधुमक्खियों का डंक होता है इस पे मधुमक्खियों का शहद ही लगाएं तो बहुत अच्छा है इसीलिए ये मलम बड़ी अच्छी काम करती है। यानी जहाँ प्रॉब्लम है उसी के भगवान ने उसी के पास समस्या का समाधान दिया हुआ है। तो मधुमक्खियों के डंक को अंदर से निकालने के लिए बॉडी से शहद का सेवन भी बहुत अच्छा है उसका एंटीडोज उसी में है मधुमक्खी के पास। खैर अब बात कर लेते हैं कि और क्या क्या चीज़ करनी चाहिए। लेप बहुत अच्छा होता है इसमें। लेप हमारे आयुर्वेद में महर्षि काश्यप मुनि शायद मेरे को पूरा याद नहीं है काश्यप मुनि ने एक लेप बना के दिया हुआ है आयुर्वेद के मेडिकल स्टोर्स पे आयुर्वेद की दुकानों पे मिलता है दशांग लेप। तो दशांग लेप इसको लगाने से भी ये एक ट्रीटमेंट हो जाती है लॉन्ग टर्म में अगर आपको सूजन या ये चीज़ें सताती हैं ज़्यादा। मैंने ये अल्टरनेट बता दिया आप जो आपके पास अवेलेबल हो जैसी आपकी सुविधा ले लेना। अब बात कर लेते हैं खाने की औषध के बारे में। खाने की औषध में शहद मैंने बोला तुलसी भी ले सकते हैं आप थोड़ी इस तरह की कड़वी चीज़ें जैसे अभी लहसुन बाहर लगा रहे थे तो लहसुन का सेवन भी कराया जा सकता है कुछ दिन। हल्दी का सेवन कराया जा सकता है दूध में कुछ दिन लहसुन हल्दी का दूध उबाल के दिया जा सकता है कुछ दिन ये सारी चीज़ें मदद करेंगी। इसके अलावा अगर थोड़ी बुखार हो जाता है ज़्यादातर ऐसे कीड़ों के डंक से तो उसमें मधुरांतक वटी ये उस कीड़े के जहर को भी काटती है और साथ में बुखार को भी उतारती है। मधुरांतक वटी बच्चे को एक एक गोली तीन टाइम और बड़े व्यक्ति को दो दो गोली तीन टाइम ये दे करके पानी के साथ भोजन के आधे घंटे बाद दिया जा सकती है। ये एक अच्छी औषध है। इसमें और ज़्यादा इस फार्मूले को स्ट्रॉन्ग करना हो तो विष तिंदुक वटी आती है ये थोड़ी ताकत भी दे देगी कमज़ोर आदमी के जो कमज़ोर आदमी होता है उसको जब कीड़ा काटता है तो उसको ज़्यादा सूजन होती है तो वो कहता है मुझे काटा तो सूजन हो गई इसको काटा तो सूजन नहीं हुई तो वो उस वक्त विष तिंदुक वटी भी देते हैं साथ में तो एक एक गोली तीन टाइम डॉक्टर के निर्देश से इसको आप मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें बहुत काम की हैं। हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में कहा गया अगर कोई जहरीली चीज़ आपने खा ली या कीड़े मकोड़े काटने से 24 प्रकार की चिकित्सा करनी चाहिए उसमें नाक में घी डालना उसमें धुन्नी देना उसमें लेप करना उसमें पानी पिला के उल्टी कराना उसमें दस्त लगवाना थोड़ा बॉडी को डिटॉक्स करना और डिटॉक्स वाली सारी चीज़ें खिलाना उन दिनों में ज़्यादा ऐसी चीज़ें करने की पूरी पूरी एक समझ एक पूरे निर्देश दिए गए हैं। ये हैं चीज़ें मैंने आपको जो बताई आयुर्वेद के अंदर हमारे जो कीड़े मकोड़ों के विष के लिए।